नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासी स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख चुके हो कि हमने जैसे कि हम डेली क्लास चला रहे हैं जीके की, आज हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास 9 के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, UPFCI में आने लायक है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बेहद इम्पोर्टेंट है, तो कुछ ना टाइम आपका खर्च करते हुए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है। रामनाथ कोविंद है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है। वेंकैया नायडू है। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो जाए। जो भारत के प्रधानमंत्री इस टाइम नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वह कौन है। आपको मैं बता दूं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति ही हमारे कौन है इस टाइम पर, वेंकैया नायडू है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे राज्यसभा के जो महासचिव है वह कौन है। ठीक है, देश दीपक वर्मा हमारे राज्यसभा के महासचिव है। ठीक है, लोकसभा के महासचिव भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसने लता श्रीवास्तव है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, कि विपक्ष के जो नेता है कौन है। ठीक है, राज्यसभा में इस टाइम गुलाम नबी आज़ाद है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। आगे बात करते हैं हम लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वह कौन है। मैं आपको बता दूँ, जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर है वही आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। इस टाइम उनका नाम है थम्बी दुरई, पूरा नाम है इनका डॉक्टर एम थम्बी दुरई। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। गृह मंत्री आपको पता ही होंगे, राजनाथ सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वह कौन है। इनका नाम है ओम प्रकाश रावत। शॉर्ट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तो ओपी रावत इनका नाम आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। चुनाव आयुक्त जो हैं इस टाइम अशोक लवासा हैं। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। ये किनकी जगह पे आए हैं, अरविंद पनगड़िया की जगह पे आए हैं। नीति आयोग के CEO, ठीक है, जिसको बोलते हैं CEO, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनका नाम है श्री अमिताभ कांत। ठीक है, अगला है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम बोर्ड जो है DMRC के जो है अध्यक्ष, उनका नाम जो है DS मिश्रा है। ठीक है, मैं आप लोगों को वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सिर्फ एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोगों को सभी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सबसे पहले आप ये नोट कर लेना। ठीक है, और ये एक कॉपी पे आप नोट कर लो ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, आपको याद करने में आसानी हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ। तो अगला है कि भारतीय सेना प्रमुख जो है वह जनरल बिपिन रावत है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वायुसेना के जो प्रमुख हैं इस टाइम BS धनोवा, इनका शॉर्ट फॉर्म है, अगर फुल नाम आएगा तो इनका नाम है एयर मार्शल BS धनोवा। ठीक है, अगला है कि भारतीय नौसेना प्रमुख, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम है सुनील लांबा, अगर पूरा आएगा तो एडमिरल सुनील लांबा आएगा। ठीक है, अगला है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है SEBI के जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आएगा SEBI सिर्फ लिखा हुआ। ठीक है, इसका जो मुख्यालय आप लोगों को पता होगा मुंबई में है। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है मैं आपको बता दूँ कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं यानी SEBI के इस टाइम कौन है, अजय त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है। तो इनका नाम है रिजवी, शॉर्ट फॉर्म में है, अगर पूरा नाम लिया जाए तो सैयद गयूर उल हसन रिजवी है। ठीक है,
ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ये हर बार देखा जा रहा है कि केग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है। केग की जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं, भारत के जो नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है केग, ठीक है। बे कौन है, राजीव महर्षि। ये ALB में भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है UPSC के जो अध्यक्ष हैं यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, विनय मित्तल हैं, ठीक है। अगला आपको याद रखना है कि जो SSC के अध्यक्ष हैं वह कौन है, असीम खुराना। आपको पता ही होगा कि इनका जो है 1 साल अभी एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, यानी ये अब 2019 तक रहेंगे, ठीक है। आगे याद रखना है IB, यानी IB का मतलब होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो, ठीक है। ये हमारी खुफिया पुलिस होती है, जिनके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, राजीव जैन है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि CBSE जो है उस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, ये जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अनीता करवाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि RBI के जो नए गवर्नर है उनका नाम क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टाइम उर्जित पटेल है, और इससे पहले जो थे आपको पता होना चाहिए, इससे पहले वाले का भी नाम रघुराम राजन का भी आ जाए, ठीक है। और जो RBI के डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है महेश कुमार जैन। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वह कौन है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये भी इंटेलिजेंट ब्यूरो में एक क्वेश्चन आया था, इनका नाम है अजित डोवाल, ठीक है। आगे याद रखना है आपको कि भारत के जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है, उनका नाम क्या है, श्री अश्वनी लोहानी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगा, क्योंकि FCI का पेपर है, और FCI में अगर ये नहीं आया तो बेकार है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के जो अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो उनका नाम, आपको नाम बताना है, योगेंद्र, ठीक है, त्रिपाठी, श्री योगेंद्र त्रिपाठी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बताना है आपको जो नाबार्ड है बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, उसके अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला है। आगे है जो इन्फोसिस के संस्थापक है उनका नाम जो है वह नारायण मूर्ति है। आगे बताना है आपको जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जो मंत्री हैं वह कौन है, इस टाइम धर्मेंद्र प्रधान है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहन जो हमारा नागर विमानन मंत्रालय है उसके जो है इस टाइम सुरेश प्रभु अध्यक्ष हैं, ठीक है। सिडबी बैंक का भी पूछ सकता है आपको, इसके चेयरमैन जो है इस टाइम मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, ठीक है, कि केंद्रीय मानव संसाधन जो विकास मंत्री वह कौन है, इस टाइम प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको ज़्यादा ही आप उस पर फोकस करना, ठीक है। केंद्रीय रेल कोयला मंत्री जो है इस टाइम पीयूष गोयल है। वाणिज्य एवं उद्योग के जो इस टाइम मंत्री हैं वह कौन है, मंत्री सुरेश प्रभु, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका देखो लास्ट देख लेते हैं हम, कि जो हमारा रिलायंस चेयरमैन है, ठीक है, जो रिलायंस के चेयरमैन हैं वह कौन है, मुकेश अंबानी है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो आप लोगों के लिए आ सकता है। ये सारे के सारे मंत्री ऐसे हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो UPSCI की, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लासें हमारी डेली लगातार चल रही हैं, तो इस तरीके से हमारी चलती रहेंगी। बने रहें हमारे चैनल पे, डेली हम इस तरीके की अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।